हेलो गाइस, वेलकम टू अवर न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? अभी सुबह के 7 बज चुके हैं एंड हम अपने रोड ट्रिप के लिए तैयार हो चुके हैं। आज थोड़ा लेट हो गए। 5 बजे का टाइमिंग था कि 5 बजे निकलेंगे, बट नींद ही नहीं खुली खुली है सुबह 7 बजे। अभी हम तैयार हो चुके हैं, नाश्ता थोड़ा कर लिया है। मिलते हैं बाइक पे। गाइस, अभी हम घर से निकल चुके हैं अपनी ट्रिप के लिए एंड यहाँ से जो उज्जैन है वो है 769 किलोमीटर्स, और टाइम दिखा रहा है कि हम रात के 9:40 में पहुँचेंगे। वैसे दूरी तो बहुत ज़्यादा है लेकिन देखते हैं, ट्राई करते हैं। और ये रहा इकाना स्टेडियम। तो अभी जो टाइम हुआ है वो है 7:55। तो अभी थोड़ा सा लेट है, हम सुबह जल्दी निकलने की कोशिश किया था बट अलार्म लगाया, पता ही नहीं चला वो बजा नहीं बजा। मम्मी ने 6 बजे जगाया तो वही लगा कि अब तो लेट हो गया भाई। फिर पैक वैक और लखनऊ से बाहर निकलते निकलते 8 बज चुका है। अभी ट्राई करते हैं, आराम से जाएंगे और पहुंचने की कोशिश करते हैं कि दिन दिन में ही पहुंच जाएं। लेकिन गूगल बाबा बता रहे हैं कि 9:40 लगे, मतलब रात के 9:40 पर हम उज्जैन पहुंच पाएंगे। तो देखते हैं, अपने को सेफली जाना है, कोई भी रश नहीं करना है और अच्छे तरीके से पहुँच जाना है। तो गाइज, अभी तक हम लोग लखनऊ ऑलमोस्ट क्रॉस कर चुके हैं क्योंकि अमौसी निकल चुका है। ऑलमोस्ट लखनऊ क्रॉस हो चुका है बट ट्रैफिक देखो गाइज, अगर सुबह 5-6 बजे निकल जाते तो इतना ट्रैफिक नहीं मिलता। 8 बजे तो इतना ट्रैफिक मिलना ही है। और वैसे भी कानपुर से, लखनऊ से कानपुर वाला जो रोड है ये बहुत बिजी रहता है, ऊपर से रोड भी ये ख़राब है। ये ज़्यादा से ज़्यादा 70-80 किलोमीटर है बट इसमें 2 घंटे लग जाते हैं 70-80 किलोमीटर में। इसका एक्सप्रेस वे का काम चल रहा है अभी बट अभी वो कंप्लीट हुआ नहीं है तो हमें तो इसी से जाना पड़ेगा। कल इवनिंग में मैंने यही सोचा था कि जल्दी जल्दी मॉर्निंग में जग के बस ट्रैफिक निकाल दें कानपुर तक का, क्योंकि कानपुर तक बहुत ट्रैफिक लगता है। तो अगर मॉर्निंग में जग जाते जल्दी तो निकल जाता, पर कोई नहीं, अब तो ऐसे ही जाना पड़ेगा। फुल टू दिमाग ख़राब हो चुका है, सुबह निकलते ही जाम, इतना ज़्यादा ट्रैफिक सुबह ही सुबह। न्यायाधीश जी को भी रास्ता नहीं दिया जा रहा है, क्या चल रहा है भाई। ये कंस्ट्रक्शन भी चल रहा है इसकी वजह से ज़्यादा है ना, रोड पतला कर दिया है तो इसीलिए ज़्यादा टाइम लग रहा है। पहला टोल आ चुका है और हम साइड से निकल जाएंगे, बट ये मुझे जगह नहीं दे रहे हैं। हम निकलेंगे कैसे? भाई साहब, फ्री वालों की कोई इज्जत ही नहीं है। अरे हम नहीं दे रहे, इसका मतलब साइड से निकल जाने दो यार। पहला टोल क्रॉस कर लिया है हमने। जब भी हम ट्रिप पे जाते हैं तो हम गिनते हैं कि हमने कितना पैसा बचाया टोल पे। शिवपुरी 430 किलोमीटर, जितावा 165 और बांदा 130। हमें जाना है शिवपुरी की तरफ, ज़रूरत है भाई इसको एक्सप्रेसवे की। इन NH से काम नहीं चल रहा है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ है भाई। कानपुर शहर में आपका स्वागत है। हम कानपुर पहुंच चुके हैं, लेफ्ट साइड में गंगा जी बह रही हैं। कानपुर आगमन पर आपका स्वागत है। हमने अपनी जर्नी का पहला 100 किलोमीटर कंप्लीट कर लिया है, अभी अच्छा रोड मिला है, देखते हैं कब तक होता है। ये हमारी ट्रिप का दूसरा टोल प्लाजा आ चुका है, ये बराजोर नाम क्या है टोल प्लाजा। उरई झांसी के लिए आपको लेफ्ट टर्न लेना है, इटावा फिरोजाबाद के लिए सीधे जाना है और हमें जाना है उरई वाले रास्ते पे, तो हम यहाँ से लेंगे लेफ्ट टर्न। यहाँ से अभी जो झांसी है वो 189 किलोमीटर है। अभी तक हमने ओवरऑल जो किलोमीटर कंप्लीट किए हैं वो अप्रॉक्स 140 किलोमीटर कंप्लीट कर लिए अपने ट्रिप के। अभी देखते हैं कि एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, इंडिकेटर दे रहे हैं इधर का, अब ये उड़ के इधर कहाँ जाएंगे। ऐसे इंडिकेटर दे देते हैं भाई साहब। रोड बहुत बढ़िया हो चुका है भाई, एक नंबर रोड हो चुका है।
क्या करना चाह रहा था ये भगवान जाने क्या करना चाह रहा था, समझ नहीं आया मेरी। चलो जी गाइस, जोरई पहुंच चुके हैं हम लोग, मेन सिटी अंदर है, इधर की तरफ हो रही, हम बाल बाईपास लेके हो रही की बार बार निकल जाएंगे, जाएंगे ही नहीं अंदर। झांसी यहाँ से बचा है 124 किलोमीटर और एकदम मक्खन रोड। अब एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, चाय वाय पी लेते हैं, बिकॉज बहुत चला लिया है यहाँ पे, 200 किलोमीटर कंप्लीट हो चुके हैं सुबह से हमने, और कोई ब्रेक नहीं लिया है, सिर्फ एक 2 मिनट का ब्रेक लिया था, वो भी पेट्रोल भराने के लिए बस। तो अभी एक थोड़ा सा छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं चाय का, तो कुछ खा भी लेते हैं। अपने जर्नी के 4th टोल पे आ चुके हैं, इधर दूसरी 4th टोल बड़ी जल्दी आ गया, लेकिन अभी तो 3rd टोल निकला था, 4th टोल तुरंत आ गया, बड़ा सजा के रखा था पता नहीं क्यों। यहाँ पे हम अपना छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं क्योंकि बैठने का सिस्टम अच्छा है यहाँ पे, तो यहीं पे एक स्टॉप ले लेते हैं। चलिए थोड़ा सा नाश्ता करने के बाद मिलते हैं। अपनी जर्नी के 5th टोल पे आ चुके हैं हम लोग, और ये झांसी में है, 5th टोल जो है ये झांसी का है। यहाँ से जो जैन बसता है वो है 430 किलोमीटर्स, और टाइम हो चुका है 1:15, ठीक चल रहा है अभी, आराम से पहुँच जाएंगे शाम तक, कोई जल्दी नहीं है, आराम से चलाना है धीरे धीरे, क्योंकि अपनी सेफ्टी को भी हमें रखना है। कैमरा ऑन करने में थोड़ा देर हो गया भाई, ऊपर अभी जब ऊपर से हम नीचे उतर रहे थे ना, क्या व्यू था इस रोड का, तो हम कर करते करते आगे आ गया मैं, हम दोबारा से मनाली आ गए, बाहर दिखने लगे क्या खतरनाक व्यू है भाई, खतरनाक से भी एक चीज खतरनाक है मेरा पेट्रोल, 43 किलोमीटर की रेंज बची है, और अगर ऐसे नजारे रहे तो आसपास पेट्रोल पंप तो नहीं मिलने वाला है। इधर देखो गाइस, इधर पता नहीं गोप्रो में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बट क्या खतरनाक नजारे हैं, ऐसे नजारे देख के पैसा वसूल हो जाता पेट्रोल का, कोई दिक्कत नहीं। ₹500 का फ्यूल अप करा लिया है, और यहाँ 500 का केवल इसीलिए कराया क्योंकि यहाँ डाउट हो रहा था, यहाँ का जो डेंसिटी है वो केवल 74 है, इतना डेंसिटी का तो मेरे ख्याल से फ्यूल नहीं होता है, इसीलिए मैं केवल इतना डला लिया कि मेरी गाड़ी आगे तक चली जाए बस, इससे ज़्यादा नहीं डलवाया मैंने, कुछ तो डाउट था इन पे मुझे लगा, तो इसीलिए मैंने केवल इतना ही डलवाया, आगे कोई अच्छा पेट्रोल पंप मिलता है तो वहाँ पे डलाते हैं। यहाँ पे फ्यूल अप करा लेते हैं, यहाँ पे थोड़े से सही लग रहा है हालत, फुल कर देना, ऑनलाइन हो जाएगा। हाँ ठीक है, देख लो सही बात है, आओ यार देखने में क्या है भाई, तीसरी बताएं पर कतरी सी लेगी, कतरी सी सी कतरी सी। हो गया, थैंक यू।
ये जो इधर रास्ता जा रहा है वो है शिवपुरी का, हम बाईपास से निकल जाएंगे। भाई साहब रोड देखो तुम, कानपुर के बाद से रोड मुझे बहुत अच्छा मिला है, कुछ अच्छा मिला ना मिला हो रोड बहुत अच्छा मिला है, एकदम एक नंबर रोड मिला मुझे कानपुर के बाद से। आ चुका है हमारी ट्रिप का पांचवा टोल प्लाजा, टोल प्लाजा के नाम भूल जाता हूँ मैं, हाँ पूरन खेड़ी टोल प्लाजा में आपका स्वागत है भाई साहब। यहाँ से भी अभी उज्जैन जो है वो अप्रॉक्स 321 किलोमीटर बचा है, जिसको दिखा रहा है कि रात के 9 बजे हम पहुँचेंगे। धूम कर दूँ इसके बीच से निकाल दूँ धूम बनाई दूँ आज, बीच से निकालता हूँ, जगह दे दो बीच से ही निकाल दूँ सरसराते हुए एकदम जू 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 करते हुए। यहाँ रखते हैं चाय पीते हैं तब तक के लिए। सो गाइस ब्रेक ले लिया है, आई थिंक 25 मिनट्स का ब्रेक हो गया ये। यहाँ से जो उज्जैन बचा है वो बचा है 240 किलोमीटर्स, और गूगल बाबा बता रहे हैं कि रात के 9 बज जाएंगे। इतनी मेहनत करके टाइम होता है कम होता है, पहले 9:45 दिखा रहा था, फिर हमने उस टाइम को कम किया 8:33 तक ले गया, उसके बाद ब्रेक ले लिया, फिर ये दोबारा 9 दिखाने लग गया। कोई दिक्कत नहीं है, अब आराम से चलाएंगे, ज़्यादा ब्रेक अब ज़रूरत है नहीं क्योंकि टॉयलेट भी हो गया है और चाय वाय भी पी लिया है, अब अच्छा चलाने पे फोकस करते हैं। दोबारा आ चुके हैं अपने एक नए टोल पे, ये है टोल नंबर 7 आई थिंक, मुझे जितना याद है हाँ ये है टोल नंबर 7, और टोल का नाम फिर नहीं पढ़ पाया मैं। एमपी में जब से घुसा हूं मैं तब से मैं ओवरटेक नहीं कर रहा हूं, क्योंकि कहीं भी गैया बैठी मिल जाती है रोड पे। भाई सनसेट देखो क्या बेहतरीन सनसेट हो रहा है, भाई देख रहे हो क्या एकदम मस्त हम पहुंच चुके हैं पचोर, और यहां से उज्जैन बचा है 129 किलोमीटर्स। और ऑलमोस्ट सनसेट भी हो ही चुका है, बस थोड़ा सा उजाला रह गया है, अभी वाइज़र भी चेंज करना है क्योंकि जो मेरे हेलमेट पे वाइज़र लगा है वो ब्लैक लगा है, अंधेरे में और अंधेरा दिखेगा भी नहीं कुछ। ये हमारी ट्रिप का आठवा है शायद, हाँ आठवा टोल प्लाजा, पैसा मतलब बहुत पैसे बचा लिए हमने, आठवें टोल प्लाजा पे हैं भाई बहुत पैसे बचा लिए हमने, कोई दिक्कत नहीं ये भी निकल जाते हैं। मैं सोच रहा हूँ यहीं पर वाइज़र बदल लूँ क्या अपना, 113 हुआ है अभी बदल ही लेता हूँ। सो लो जी गाइस अभी हम लोग पहुँच चुके हैं मक्सी, यहीं उज्जैन से पहले एक जगह है मक्सी, वहाँ पहुँच चुके हैं, वहाँ से मेरे दोस्त का भी एक पीटीएस सेंटर यहीं पे है आसपास, तो पहले उससे मिलेंगे फिर मंदिर जाएंगे, मंदिर की तरफ मतलब होटल लेंगे। सो यहाँ से जो उज्जैन बचा है 19 किलोमीटर। सो गाइस पहुंच चुके हैं हम लोग उज्जैन, एंड ये किसी चौराहे पे ही है पता नहीं कौन सा है, बट उज्जैन आ चुका है। भाई साहब क्या ही सिटी है ये, इतना ट्रैफिक मिल गया, इन्होंने स्वागत भी ट्रैफिक से ही किया हमारा स्टार्ट भी ट्रैफिक से ही हुआ था और एंड भी ट्रैफिक से ही हो रहा है, कोई बात नहीं ये भी झेल लेंगे। सो अगर आप अभी भी वीडियो में बने तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मिलते हैं तब तक किसी नए ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।